हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशंस क्लियर करवाई मीन वैल्यू की, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इन डेफिनेशंस को न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करते हैं। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज 1.21, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। तो ये आप अगर आप वोटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हो तो आपकी ये वैल्यूज मिली है। ठीक है, आपको निकालना क्या स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और लास्ट में आपको परसेंटेज एरर। तो ये सभी डेफिनेशंस हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू। और मैंने आपको बताया मीन वैल्यू क्या होती है, अर्थमेटिकल मीन। क्या होता है स्टूडेंट्स, अर्थमेटिकल मीन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिकल मीन लेंगे, क्या लेंगे, अर्थमेटिकल मीन। तो देखिए 1.29 प्लस 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33 डिवाइड बाई 8। ओके, ये आपका क्या निकलता है, अर्थमेटिकल मीन निकलता है। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स तो आपका अर्थमेटिकल मीन आ जाता है 1.3275। ओके, अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, किस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ कर देते हैं अप टू टू प्लेसेस। तो अगर मैं इसको ड्रॉप करना चाहूँ तो ये नंबर ग्रेटर देन 5 है तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1.33 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। क्या आ गई आपकी, 1.33 अप टू टू वैल्यूज। ओके, तो दिस इज योर क्या आ गई, मीन वैल्यू। क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। आपको याद रखनी है कि ये आपका अर्थमेटिकल मीन आ गया, तो मीन वैल्यू कितनी आ गई इनकी, 1.33 आपकी क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई, 1.33 आपकी क्या आ गई, अर्थमेटिकल मीन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसके बाद एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालनी है आपने, एब्सोल्यूट एरर। अब मैंने आपको अगर याद है डेफिनेशन में मैंने आपको करवाया था, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी ट्रू वैल्यू आई है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्जर्व वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड्स लोगे। क्या लोगे, उसका मैग्नीट्यूड्स। तो मैं कहता हूँ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें निकालेंगे। तो क्या करेंगे, आपकी ट्रू वैल्यू कितनी आई थी, मीन कितनी थी, क्योंकि मीन वैल्यू क्या आपकी ट्रू वैल्यू है, तो 1.33 आपकी ट्रू वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू क्या है फर्स्ट वन, 1.29। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 0.04 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अब उसके बाद सेकेंड में निकालिए डेल्टा म्यू टू, दिस इज द, और एब्सोल्यूट एरर क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, तो हम क्या कर लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसके बाद मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आ गया, 0.04 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं इन सेकंड मेजरमेंट। सेकंड मेजरमेंट क्या है, 1.33, तो 1.33 माइनस 1.33 कितना आ गया स्टूडेंट, 0.00। ठीक है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0.00 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से डेल्टा म्यू थ्री थर्ड ऑब्जर्वेशन की क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू क्या है, 1.33 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू क्या है थर्ड नंबर पर, 1, 2, 3 थर्ड नंबर पर है 1.34। अगर माइनस की, क्योंकि इसमें माइनस ज़्यादा है तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट माइनस 0.01। बट हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं तो हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ गया, 0.01। ठीक है, फोर्थ में निकालिए, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर, तो 1.33 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, 1, 2, 3 फोर्थ वैल्यू निकालनी है, 1.35, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स बताइए, ये आ गया माइनस 0.02। मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो कितना आ गया, 0.02। ओके, तो इस तरह से ये 1, 2, 3, 4 फोर्थ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट फोर्थ रह जाती है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैल्यूज हमारी ऐसे आ गई हैं, तो ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, इस तरह से थर्ड की है, फोर्थ की है, तो ये आ गई आपकी ये दिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तो निकाल लिया, फिफ्थ में निकालेंगे, फिफ्थ में निकालिए डेल्टा म्यू फाइव का मैग्नीट्यूड लेंगे फिफ्थ वैल्यू, तो 1.33 माइनस फिफ्थ वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ, तो 1.32 सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, तो इसका कितना आ जाएगा, 0.01। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा स्टूडेंट्स। डेल्टा म्यू सिक्स, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में निकालिए, 1.33 माइनस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1.36, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 0.03। ठीक है, बट इसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 0.03 स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। डेल्टा म्यू सेवन, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन में निकालिए, 1.33 माइनस सेवन्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1.30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 0.03,
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 0.03 स्टूडेंट्स। ओके, सिमिलरली एट्थ ऑब्जर्वेशन में निकालिए, ऑब्जर्वेशन नंबर एट्थ में अगर निकालते हैं तो 1.33 माइनस 1.33 एक्यूरेट वैल्यू 0.00 मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया सारा, ये आ गया स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन, एट्थ ऑब्जर्वेशन। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने आपको क्या बताया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है उन सभी एरर का क्या ले लीजिए, मीन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? मीन। तो उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा म्यू के ऊपर बार ले लीजिए, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे डेल्टा म्यू वन ये मैग्नीट्यूड्स है, डेल्टा म्यू टू मैग्नीट्यूड है, डेल्टा म्यू थ्री ये भी मैग्नीट्यूड है, प्लस डेल्टा म्यू फोर ये भी मैग्नीट्यूड है, डेल्टा म्यू फाइव ये भी मैग्नीट्यूड है, डेल्टा म्यू सिक्स प्लस डेल्टा म्यू सेवन प्लस डेल्टा म्यू एट डिवाइड बाई एट, इस तरह से क्या आ जाएगा, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई थी अभी निकाल लिया, उन सभी का क्या ले लिया, अर्थमेटिकल मीन ले लिया। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आई है वो पुट करेंगे और उसका मीन ले लेंगे। वैल्यूज अभी नोट कीजिए, तो मैंने बताया था अभी निकाली थी 0.04, 0.02, 00, 0.01, 0.02, 0.01, ठीक है, प्लस 0.03, 0.03, 0.00 डिवाइड बाई 8 स्टूडेंट्स। तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.0175। टू नंबर तक राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.02। तो ये वैल्यू, ये आ जाएगा आपका डेल्टा म्यू बार। तो इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गई आपकी? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव एरर। क्या निकालनी है आपने? रिलेटिव एरर। तो अभी हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। तो अगर हम निकाल लें रिलेटिव एरर स्टूडेंट्स, क्या निकाल लें? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलती है, अभी मैंने बताया था मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी आपने निकाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाली थी, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया है, अभी बताया था मैंने दैट इज 0.02। मीन वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, बताइए मुझे मीन वैल्यू कितनी आई थी, 1.33। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.02, दैट इज रिलेटिव एरर। क्या आती है ये? रिलेटिव एरर आ गई स्टूडेंट्स आपकी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब ये आ गया रिलेटिव एरर। अब निकाल लिए परसेंटेज एरर। क्या निकाल लिया अब? परसेंटेज एरर। अभी मैंने बताया था आपको कि जो भी रिलेटिव एरर आया है, जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से। तो रिलेटिव एरर कितना है स्टूडेंट्स, अभी बताया मैंने परसेंटेज एरर क्या था, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। तो रिलेटिव एरर कितना आया बताइए आपका, वो आपका आया है अभी बताया था मैंने 0.015 ये आया था आपका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 1.5 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 0.02 आया था ना आपका, सॉरी, तो 0.02 आया था। तो क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट अगर 0.02 आया था तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, तो सेम है। वैसे देखा जाए यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई अपने से, 0.02 को अगर 1.33 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, आंसर आएगा 0.015। ओके, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब रिलेटिव परसेंटेज एरर क्या आएगी, जो रिलेटिव एरर एरर आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0.015 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1.5%। ओके, ये भी प्लस माइनस हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।